आप क्या सजेशन कर देते हैं, क्या तैयारियां करनी चाहिए? ओडिसी नृत्य में जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले तो बेसिक सीखना पड़ेगा, जो बेसिक है चौक और त्रिभंगी वो सीखना पड़ेगा। ओडिसी नृत्य में जो दो मूल भंगी है तो 10 हम चौक सिखाते हैं और 10 त्रिभंगी सिखाते हैं, तो वो पहले उनको पहली साल में या तो 6 महीने में अगर पूरा कर सकते हैं तो 6 महीने में उनको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो जो ओडिसी के दूसरे मंगलाचरण, बट्टू, पल्लवी, अभिनय, मोक्ष है उसके बाद ही वो सीख सकते हैं। उसके लिए पहला तो मतलब मैं ये बताऊंगी कि पहले उनको जो पेरेंट्स हैं उनको इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं और पहले ही बोलते हैं कि 2 महीने के बाद मेरे बेटी स्टेज पे जाएगी, ऐसा ये नृत्यों में नहीं हो पाएगा। मिनिमम 1 साल ये नृत्य सीखने के लिए समय लगता है, और मेरा ये मानना है कि आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चों को समझाए और बच्चों को ये नृत्य के प्रति मतलब वो लोग कैसे ये नृत्य सीखे इसके बारे में उनको बताएं। ओडिसी नृत्य अलग नृत्य से अलग कैसे है? भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से ओडिसी 1 शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली ये सभी अलग अलग प्रदेश से आए हैं, लेकिन भारत के शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी में मुख्यतः लास्य नृत्य है। लास्य का मतलब ये है कि एक कोमल नृत्य जो कि जो नारियाँ करते हैं, क्योंकि ये देवी पार्वती से आई है। और भरतनाट्यम में क्या है, तांडव, और कथक में चक्कर है और पैर का ज़्यादा उपयोग होता है। तो ओडिसी इतना सुंदर है, वो कोणार्क के जो मंदिर है उसमें ये भंगी देखने को मिलता है, श्री जगन्नाथ मंदिर में भी ओडिसी का भंगी देखने को मिलता है, और महारी लोग पहले भगवान जगन्नाथ के सामने ही नृत्य करते थे, तो ये नृत्य भक्ति प्रधान है। मैम ये बताएं, आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में क्लासिकल डांस कौन सी हालत से गुजर रहा है, क्या स्थिति है क्लासिकल डांसेस की? ये मैं बताऊंगी कि आज के जनरेशन जो है वो क्लासिकल नृत्य सीखते तो है, लेकिन बहुत जैसे गुरु शिष्य परंपरा में सीखना चाहिए ऐसे उनको सीखने का मौका नहीं मिलता है, और उसकी वजह से क्लासिकल नृत्य पूरा भारत में फैल गया है। लेकिन फैलने का ये मतलब है कि जो जो परिस्थिति में गुरुओं ने इतना मेहनत करके इसको एक शास्त्रीय रूप का दर्जा दिया था वो अभी नहीं रह पाया है। एक नृत्य के साथ दूसरे नृत्य का फ्यूजन हो रहा है, और दूसरा जो यंगर जनरेशन सीख रहे हैं उन वो मतलब एक्सेल करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा उनको रियाज करना चाहिए तो वो क्लासिकल नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों को न्याय कर पाएंगे। और दूसरा ये चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जब लेके आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप मतलब जल्दी से इनको सिखा दो, 2 महीने में नृत्य सिखा के स्टेज के ऊपर ले जाओ। ऐसे ये नृत्य नहीं है, ये नृत्य वर्षों का साधना करना पड़ता है, फिर जाके ये नृत्य को हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि हम लोग सालों तक सीखे, लेकिन एटलीस्ट एक नृत्यांगना को स्टेज के ऊपर छोटा सा भी परफॉर्मेंस करना है तो भी 1 साल का उसका रियाज और उसका शिक्षक चाहिए। दूसरी चीज़ ये मैं बताऊंगी, अभी बहुत सारे लोग क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं, तो सोलो नृत्य का जो परंपरा है वो धीरे धीरे जा रहा है, लुप्त हो रहा है, लेकिन सोलो नृत्य भी होना चाहिए। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, और अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने कला महाकुंभ करके हमारे शास्त्रीय नृत्य को प्रोत्साहन दिया है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। थैंक यू।